हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज की मज़ेदार रेसिपी है मटन बिरयानी रेसिपी। वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में बड़ी मज़ेदार बनती है और ईद उल अधा के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे मटन 1 किलोग्राम, जो कि हमने अच्छे से पाक साफ धो लिया था। और उसके बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच ऐड कर लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद उसके बाद ऐड करेंगे गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे दही, 300 ग्राम ऐड करेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे नींबू का जूस, 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून। और उसके बाद ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून ऐड कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून। और उसके बाद ऐड करेंगे क्रश किया हुआ फ्राइड ऑनियन, 2 मीडियम साइज्ड ऑनियन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था, और इस तरह हाथों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ऐड करेंगे क्रश किए हुए ग्रीन चिलीज, 1.5 टेबलस्पून, यानी कि इसे हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद अब हम ऐड करेंगे थोड़े से कोरिएंडर और पुदीने के लीव्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ऐड करेंगे घी, 2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। और घी ऐड करने के बाद ऐड करेंगे सॉल्ट, 3/4 टीस्पून ऐड कर लेंगे। और उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैरिनेशन के लिए करीबन 2 घंटों के लिए साइड में रख लेंगे। आप चाहे तो रात भर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिड लगा देंगे। और यहाँ पे हमने सिर्फ 2 घंटे के लिए मैरिनेशन रखा है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं मटन जो है अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो दूसरे तरफ हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और ऐड करेंगे ऑयल 1/2 कप, जो कि हमने ऑनियन फ्राई करने के लिए यूज़ किया था। और उसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड मटन, जो कि हमने मैरिनेट करके रख लिया था। आप स्टोव पर रखें और कुकर का लिड लगा दें और 4 विजल्स तक रुकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 विजल्स आ गए हैं कुकर में। और यहाँ पे हम लिड खोल देंगे या ओपन कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन में जो है थोड़ा सा पानी या ग्रेवी रह गया है। तो इसे ड्राई करने के लिए हम करीबन 15 मिनट तक इस मटन को जो है अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मटन जब तक कुक होता रहेगा तब तक हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। और हाँ, ध्यान रखें लिड या विजिल ना लगाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन जो है अच्छे से कुक होता रहेगा। तो यहाँ पे हम दूसरे यूटेंसिल लेंगे और ऐड कर लेंगे वाटर, करीबन 4 लीटर लिया है। और उसमें ऐड करेंगे शाहजीरा, 1/2 टीस्पून। और उसके बाद ऐड करेंगे तेज पत्ता, 2 लिए हैं हमने। और उसके बाद ऐड करेंगे हरी इलायची, 2, और लौंग, 4 से 8 लौंग लेंगे। और दालचीनी भी 2 लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे थोड़े से कोरिएंडर और मिंट लीव्स। और उसके बाद ऐड करेंगे लेमन जूस, 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे सॉल्ट, 4 टीस्पून या आप टेस्ट अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, आप अगर सूप पी रहे हैं तो उसमें कितना सॉल्ट डाल दें, इसी तरह आप मेजर करके सॉल्ट को ऐड करें और लिड लगा दें और एक बॉईल आने दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बासमती राइस को लिया है, जो कि हमने 30 मिनट तक अच्छे से सोक करके रख लिया था। तो दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर में जो है अच्छे से ग्रेवी सूख गई है और मटन भी जो है अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और चेक करके बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन जो है अच्छे से गल गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, यानी कि जो यूटेंसिल हमने रखा था उसमें अच्छे से बॉईल आ गई है। और उसमें हम ऐड करेंगे बासमती राइस, जो कि हमने 30 मिनट तक भिगो के रखा था।
और इस राइस को जो है करीबन 8 से 10 मिनट तक कुक कर लेंगे, यानी कि राइस जो है 70% कुक होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस जो है अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप भी इस तरह से चेक करें वेदर राइस कुक हुआ है या नहीं। तो चलिए जो एक्सेस वाटर रहता है राइस में उसे ड्रेन कर लेंगे या रिमूव कर लेंगे और सारे राइस को जो है एक प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस को। और यहाँ पे जो वाटर हमने राइस को ब्लांच करने के लिए रखा था उसमें से एक टी कप वाटर को बाद में इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे लेयरिंग करेंगे हम, ये यूटेंसिल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे घी, एक टीस्पून ऐड कर लेंगे और अच्छे से चारों ओर स्प्रेड कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे फर्स्ट लेयर ऑफ राइस। तो आप ध्यान से देखें और उसके बाद ऐड करेंगे मटन का लेयर और उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन और उसके बाद थोड़ी सी कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड कर लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ केसर भी ऐड कर सकते हैं ताकि बिरयानी को जो है नेचुरल लुक दे। और ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, यानी कि थोड़ा सा स्प्रिंकल करते जाएंगे। और इसके बाद हम सेम लेयरिंग का प्रोसेस को जो है रिपीट कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट राइस लेयर और उसके बाद मटन का लेयर और उसके बाद ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन और उसके बाद थोड़े से फ्यू कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स और उसके बाद फूड कलरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से हमने तीन राइस लेयर्स के ऐड कर लिया है। और लास्टली हम ऐड कर लेंगे थोड़े से फ्राइड कैश्यूज और उसके बाद ऐड कर लेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक टी कप ब्लॉन्च्ड राइस वाटर ऐड कर लेंगे जो कि हमने पहले स्ट्यू में से निकाल के रख लिया था, उसको ऐड कर लेंगे ताकि चावल को खोने में आसानी रहे। और हम कवर कर लेंगे क्लॉथ की मदद से और दम करेंगे 30 मिनट तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन बिरयानी जो है बड़ी खुशबूदार और बड़ी ही मज़ेदार बनके रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें इस बकरीद पर और हमें कमेंट करें और इसे सर्व करें रायता या ब्रिंजॉल करी से साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन टू द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। Thanks for watching.